डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है फ्राइडे आज? हाँ, आज फ्राइडे है ना हनी? तो आज फ्राइडे है। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हनी स्कूल से आ गया है। तो हनी खा रहा था अभी पॉपकॉर्न। हनी दिखाओ पॉपकॉर्न। हाँ, बस ऐसी चीज़ें खाता है हनी जिसमें कोई मीठा नहीं है, कुछ नहीं है। फीकी चीज़ें इसको ज़्यादा पसंद है और मीठी चीज़ें पसंद नहीं है। बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मिठाइयाँ नहीं खाता। ये देखो रसगुल्ले का डब्बा यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। सॉरी। तो मैं खा रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मिठाई खा रही हूँ ना आजकल, मतलब जब भी मेरा मीठा खाने का मन कर रहा मैं इसके पापा से मिठाई मंगा दे रही हूँ। बाप रे बाप, आप ही खोलना ठीक है। आवाज़ कह रहा मम्मी आप बाहर पे बात करो, मैं यहाँ पे टीवी देख रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है देख ले, खोल लो आवाज़ खोल। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर वाले रूम में और आज मौसम उतना गर्म नहीं है, ठीक है। अभी ठीक है, हो सकता 2-3 बजे तक गर्म हो जाए, बट आज काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है क्योंकि कल रात बारिश थी, पूरी रात भर बारिश हुई थी। हनी आवाज़ इतनी मत बढ़ाओ बेटा, टीवी तो बहुत ख़तरनाक वाली बारिश कल रात हुई थी और इसलिए आज मौसम काफ़ी ठीक है। अदरवाइज़ मैं बिना फ़ैन के तो बैठ ही नहीं सकती। आज नहीं है बिल्कुल भी पसीना, आप देख सकते हो कहीं भी कोई पसीने नहीं है। और साथ ही खाना बना रही हूँ, दाल मैंने बना के रख दी थी आगे, अभी मैंने उसको छोंक छूक मारा है, फ्राई किया मतलब दाल को, और चावल चढ़ा रखे हैं। तो इस बार भी मैं बहुत ज़्यादा मीठा खा रही हूँ और वेट मेरा अच्छा खासा बढ़ चुका है। पता नहीं, मुझे ऐसा हो रहा है कि पता नहीं डिलीवरी के बाद कैसे मैं अपने वेट को कंट्रोल करूँगी, कैसे कम करूँगी, क्योंकि हनी के टाइम पे भी मेरा वेट 75 अबव चले गया था 9 मंथ कंप्लीट होते होते 10 मंथ तक, क्योंकि 10 मंथ में हनी हुआ था। और उस टाइम होने से पहले इतना नहीं दिख रहा था मेरा वेट, इतना गेन हुआ होगा कह के, सिर्फ टमी का वेट था और टमी बढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा हनी के टाइम पे। और बट डिलीवरी के बाद मेरा वेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी मोटी हो गई थी मैं। और इस बार टमी का भी उतना ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि बॉडी में पहले से फैट है इस वजह से इतना पता नहीं चल रहा है कि हाँ भाई मतलब बहुत ज़्यादा वेट गेन किया होगा। और पता नहीं इस बार तो मतलब ऐसा हो रहा कि कैसे करके मैं अपना वेट फिर कम करूँगी, क्योंकि सी सेक्शन के बाद बहुत कम लोगों का होता है कि जिनका वेट नहीं बढ़ता, अदरवाइज़ सबका वेट बढ़ जाता है ऑपरेशन के बाद, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करना, हिलना डुलना थोड़ा सा टफ होता है और इंसान ये है कि डर की वजह से एक्सरसाइज वगैरह करता भी नहीं है, जिस वजह से वेट गेन होता जाता है। और तो ये चीज़ें हैं, मैं कह रही हूँ मीठा इतना खा रही हूँ, पता नहीं कितना वेट गेन होगा, कितना क्या होगा। तो आज मेरे 36 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, 37 वीक में मैं मतलब एंटर कर चुकी हूँ। और कई लोगों की कहते हैं ना 37 वीक जब कंप्लीट हो जाते हैं तो फुल टर्म बेबी हो जाता है, मतलब 37 वीक के बाद भी लोगों की डिलीवरियां हो जाती हैं, और एक हफ्ता और है समझ लो। तो ये जो नेक्स्ट आने वाला जो वीक है उसके लास्ट में मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, देखते हैं डॉक्टर कब की डेट देते हैं। और नॉर्मल के लिए तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरा दिल मन मतलब गवाही और मतलब मुझे हिम्मत नहीं दे रहा कि चलो ठीक है नॉर्मल ट्राई करो, बिल्कुल भी नहीं। और तो मैं डॉक्टर से जो नेक्स्ट आने वाला जो वीक है, कल सैटरडे हो गया, परसों संडे हो गया, फिर उसके लास्ट मतलब आने वाले वीक के लास्ट में मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और जो भी डेट निकलेगी, क्योंकि 37 के बाद तो
बेबी पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि प्री मैच्योर है या फिर ऐसी कोई दिक्कत है, उसके बाद तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। और हनी देखो पीछे, तो देखते हैं क्या क्या होता है। और 36 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, आज से 37 वीक स्टार्ट। तो चलिए खाते हैं रसगुल्ले, ये देखो आप लोग भी खा लो, और फिर करूँगी मैं थोड़ी देर में आप लोगों से बात। मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। मेरी दाल बन चुकी है, अरहर की मैंने दाल बनाई हुई है। इसमें मैंने घी से घी का तड़का दिया है, देखो घी और जीरे का, तो काफ़ी यमी लग रही है दाल। तो दाल अच्छे से पक चुकी है, साथ में है चावल, थोड़ी देर और उबलने देती हूँ, उसके बाद ये दाल भी है रेडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 13 तारीख और आज है सैटरडे। तो सैटरडे की मॉर्निंग है, अभी 7:30 हो रहा है, और आज हनी के स्कूल में है ड्रेस कंपटीशन। तो कल किसी वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो अभी मॉर्निंग के टाइम पे इनका आज है ड्रेस कंपटीशन। तो हमने हनी के लिए ये आर्मी ड्रेस लेके आए हैं, और उसको आप देख सकते हो मुंह लटका रहता है उसका, स्कूल जाने का मन अभी तक नहीं हो रहा उसका। कभी वो खुश रहता है बट कभी मन ही नहीं करता उसका। और बस मैंने उसको रेडी कर दिया था, उसकी आँख पे चोट लग गई थी इसलिए कह रहा था वो कि मम्मी मेरे आँख पे लग गई। ड्रेस उसके पापा ने, मतलब पापा लेके आए, और बिल्कुल फिटिंग की ऐसे ड्रेस लेके आए हैं कि इस बार काम आ गई, दूसरी बार काम नहीं आने वाली है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी के साइज़ के लेके आ गए हैं। और आप देख सकते हो मैं कैसे बैठी हूँ, मैं इसी तरीके से बैठती हूँ क्योंकि बैठा ही नहीं जा रहा है अब। और 9th मंथ में बहुत ज़्यादा टफ होता है बैठना उठना इधर उधर जाना। और तो हनी जा रहा है स्कूल, और आज इनकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो मैं इसको मना रही थी कि अब भी हो जाएगी छुट्टी, मम्मी लेने आएगी ये वो सो। और कैसा लग रहा है मेरा बेटा ज़रूर बताइएगा। कुछ फ़ोटोएँ खींची, थोड़ी सी वीडियो बनाई, और अभी उसके पापा, मैंने उसके हाथ पे ये फ्लैग दिया था, उसने कहा नहीं मुझे नहीं ले जाना पापा, आप रखो अपने हाथ पे। और उसके पापा जा रहे हैं उसको छूने के लिए, ये देखो कैसे देखता रहता है, मतलब उसकी आंखें ऐसे लगता है ना जैसे कितना वो कर रहा होगा, मुझे मिस कर रहा होगा। और एक दो घंटे भी नहीं रह पाता स्कूल में, तो हनी चले गए स्कूल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हनी जा चुका है स्कूल, और कल मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो आज मॉर्निंग से मैंने वीडियो कंटिन्यू किया है। तो आज है सैटरडे और आज है 13 तारीख। तो आज हनी लोगों के स्कूल में है ड्रेस कंपटीशन और पोएम कंपटीशन। तो वो स्कूल जा चुका है, उसके पापा गए हैं, अभी तक उसके पापा आए नहीं हैं। और तो क्या कह रही थी, हाँ इतना टाइम हो गया लेकिन अभी भी मतलब वो इतने खुश होके नहीं जाता स्कूल, अभी भी वो रोता पता नहीं क्यों, और कहता मम्मी पापा तुम दोनों की बहुत याद आती है स्कूल में, ये पहला बच्चा है जिसको इतना मतलब इतनी याद आती मम्मी पापा की, मैं बताने से बच्चे तो सभी के हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे जाते लोगों के, बट पता नहीं क्यों इतना अटैचमेंट है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। और एक दो घंटे के लिए भी ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, देखते हैं कैसा रहता है क्या करता है आज स्कूल में। और स्कूल की ड्रेस ही में बोलते हैं मम्मी गरम हो रहा, उसमें तो पता नहीं क्या बोलेगा। और जब मैं लेने जाऊंगी तब मैं छोटी सी क्लिप बनाऊंगी, देखते हैं बच्चे और बच्चे कैसे बन के आए हैं, क्या पहना है। तो अभी नाश्ता नहीं बनाया, बनाऊँगी, 7:30 हो रहा है, 7:45 हो चुका है, अब तक तो स्कूल में पहुँच गया होगा वो, तो तब तक अपने काम निपटाते हैं। आज मौसम भी पूरा चेंज हो रखा है, कल तो धूप लग गई थी सुबह के टाइम पे, बट आज पूरा मौसम चेंज है, कल धूप थी काफ़ी अच्छा ठंडा सा हो रहा था सुबह के टाइम पे, बट आज मौसम गुमसुम सा है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो
तो चलिए फटाफट से अपना काम निपटाते हैं। और दिन इनकी छुट्टी 12 बजे होती है, लेकिन आज 10 बजे इनकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ ट्रेस कंपटीशन है और थोड़ी बहुत पोएम वगैरह बोलेंगे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। तो फटाफट अपने काम निपटाते हैं, अभी 10 बजता पता भी नहीं चलेगा कब बज गया 10। चलिए, तो आज मैं और हनी के पापा हम दोनों गए थे हनी को लेने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो पेरेंट्स की भीड़। यहाँ पर सिर्फ नर्सरी से लेकर सेकेंड क्लास तक के बच्चे हैं इस वाले बिल्डिंग में, और सारे बच्चे ऊपर वाली बिल्डिंग में रहते हैं। तो हनी के पापा के पास मैंने फ़ोन दे रखा था कि यहाँ पे से आप छोटी छोटी क्लिप्स बनाना, और मैं हनी को लेने के लिए वहाँ पे गई थी। आप देख सकते हो भीड़ इतनी ज़्यादा लग गई थी वहाँ पे, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैं नहा के गई थी और मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई इतना मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब लिटरली मुझे चक्कर आने वाले थे। और वो देखो मैं आ गई हूँ, रेड कलर की ड्रेस आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो मैं और हनी आ चुके हैं, और उसका मैं बैग चेक कर रही थी कि आज बैग में कुछ भी नहीं लेके गए थे, टिफ़िन और पानी के गिलास के अलावा, सॉरी पानी की बोतल के अलावा, गिलास कैरी में। और तो हम चलते हैं घर की तरफ, उसके पापा बना रहे हैं वीडियो के क्लिप, तो चलिए चलते हैं।